ईश्वर की यह है कि हम अपनी ये जो कन्वेंशन है फारूक साहब उमर साहब जिसमें भी आएंगे पूरी अच्छा साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये और इनको एक दफ़ा फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्त की खास हमें जरूर हम यहाँ मीटिंग करते हैं अब 10 बजे मीटिंग रखें कोई 12 भी आए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यह है कि जिस जगह पर हमारे प्रधानमंत्री उसमें मिनिस्टर भी होंगे सब अहदेदार होंगे उसमें टाइम का ध्यान रखना से आके यहाँ पर इस कन्वेंशन को कामयाब कराएंगे उसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं बशीर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उर्दू गली तेली साहब जो आपके को चेयरमैन है ओबीसी सेल के हमारे अफसर गायब हैं आज आतवार की वजह से। उर्दू गली मलिक साहब क्योंकि इस दफ्तर का हम मीटिंग करेंगे और बड़ी खुशी हुई मुझे कि सारे साथी हैं डिस्ट्रिक्टों से भी आए हैं और वो बड़ा पुराना जो वजूद है इसका ओबीसी का मगर ओबीसी की शिकायत बड़ी और शिकायत यह है कि वो जो ड्यू शेयर नहीं मिलता है रिजर्वेशन। मलिक साहब मिनिस्टर थे तो ओबीसी का एक बोर्ड तश्कील दिया गया था। अब बदकिस्मती से वो बोर्ड जो है वो किसी और के खाते में चला गया क्योंकि हम कुलशन में थे और ओबीसी सेल के सरबराह जनाब अब्दुल गनी तेली साहब की तरफ से मुनक्कद यहाँ जो है ओबीसी के डेलीगेट्स बुलाए हुए थे इनमें इनकी मीटिंग हुई है और के इशूज़ आपस में डिस्कस हुए हैं। ओबीसी सेल जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेल है तंजीम का और एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने देखा है पिछले कुछ वक्त से जनाब गनी साहब ने इतनी ज़बरदस्त मेहनत की है इस सेल को मुनज़्ज़म करने में के लिए और एक इस तंजीम को मजबूत करने के लिए तो उस सिलसिले में इनके कोई बड़े प्रोग्राम आगे होने वाले हैं उसकी तैयारी के सिलसिले में आज उन्होंने मीटिंग रखी हुई थी। ओके।